Hello, welcome everyone. I am Deepika Pandey and I am going to start a session which is called skincare and personal care. So company ke jaise abhi tak aapne aap is session pe aaye hain to iska matlab aapne hamara why forever ya fir product knowledge ka kuch na kuch session laga liya hoga. So basically this session is all about ki hamare jo skin care ke products hain, personal care ke products hain, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या उनकी वैरायटी, कहाँ कहाँ वो जगह यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपना दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं ना, आपके आगे फॉरएवर के बिजनेस पे ही काम आएगा. सो आई होप कि दिस सेशन विल बेनिफिट यू. सो लेट्स प्रोसीड आवर सेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज बेस ऑफ द स्किन केयर. जैसे क्या होता है ना, हम जानते हैं कि स्किन केयर जरूरी है हमें, है ना. तो स्किन केयर जरूरी है, तो स्किन केयर जरूरी होने से पहले दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी दैट हमारा जो स्किन है वो है कैसा, हमें ये भी तो पता होना जरूरी है ना. सो दिस इज द थिंग कि द ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, तीन लेयर्स की बनी हुई है. तो वेरी फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज डर्मिस एंड थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस. अब आप ये एपिडर्मिस देख रहे होंगे कि दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ये आपको दिख रही होगी, आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, ठीक है. देन आप ये जो एपिडर्मिस होती है, इसकी अगर मैं खासियत बताऊँ तो ये हर 21 से 28 दिन के बीच में रिन्यू होती है. अब 21 से 28 दिन में के बीच में रिन्यू होती है, यानी कि जिस तरीके से आपने सुना होगा सांप क्या करता है, अपनी खाल छोड़ता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी पूरी पूरी खाल छोड़ देता है. लेकिन हम भी कुछ इसी फॉर्म में करते हैं, बट वी आर डूइंग इन दिस इन अ डेड स्किन सेल्स के फॉर्म में हम ऐसे इसको एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन के ऊपर से. सो 21 से 28 दिन के बीच में ये प्रोसेस चलता है. देन द सेकंड वन इज डर्मिस लेयर. अभी जो डर्मिस लेयर होती है ये बीच की लेयर होती है और ये थिकेस्ट लेयर होती है, मोटी लेयर होती है. आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये मोटी की लेयर है और यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन का पूरा थिक मैश होता है, नेटवर्क होता है. अभी आप कहेंगे कोलेजन और इलास्टिन क्या है. कोलेजन और इलास्टिन एक्चुअल में ये फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स ये प्रोटीनेशियस फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन को बनाने में बेसिकली काम करते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट डर्मिस. एंड द थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस. अब हाइपोडर्मिस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर. हाइपोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर और ये हमारी स्किन से क्या होती है कि एकदम जो एकदम नीचे की ये थर्ड लेयर पाई होती है हाइपोडर्मिस. और ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से ये लेयर अटैच होती है, यानी कि इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन खत्म हो जाती है. दिस इज द लास्ट लेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्किन. अब आपको मैं बताऊँ सबसे अच्छी खासियत, जैसे कि अभी तक आपने देखा भी होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ह्यूमन स्किन की, तो ये जो इसमें एलोवेरा, हम जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एलोवेरा यूज़ करते हैं, राइट. तो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो एलोवेरा की खासियत क्या है कि आप स्किन केयर में एलोवेरा की खासियत क्या होती है, ये जो एपिडर्मिस से लेकर के सीधा हाइपोडर्मिस तक जाता है, ठीक है. अब आप देख रहे होंगे कि एलोवेरा एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस तक, यानी कि सिर्फ ये ऊपर से चीज़ों को नहीं हटाता, ऊपर से प्रॉब्लम को नहीं हटाता, ये क्या करता है, रूट कॉज जो अंदर तक जो प्रॉब्लम होती है वहां तक उसको सॉल्व करने का काम करता है एलोवेरा. सो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलोवेरा इन द स्किन. तो ये हमारी ह्यूमन स्किन के बारे में बात हो गई. देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन. अब क्या होती है कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन है ना, किसी की नॉर्मल है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है ना, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी की सेंसिटिव स्किन है. अब मैं सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्किन होती है, हर एक बंदे का स्किन का टाइप सेम नहीं होता. अब अगेन अगर आपको चाहिए कि आप प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात होनी चाहिए ना कि डिफरेंट टाइप्स की स्किन के लिए आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, है ना. तो अब अगर मैं थोड़ी सी चलिए नॉर्मल स्किन की बात करूँ, तो ये तो ना तो टाइट होती है ना तो ऑयली होती है, ठीक है. ड्राई स्किन की अगर मैं बात करूँ तो टाइट सी होती है, एकदम मतलब जैसे खिंचा खिंचा सा हमेशा महसूस होता है ना, ड्राई बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता. ऑयली स्किन की मैं बात करूँ तो पूरे फेस पे ऑयल ऑयली नजर आता है, लगता है कि ऑयली ऑयल सब जगह भरा हुआ है. देन कॉम्बिनेशन स्किन की मैं बात करूँ तो ये जो होता है, ये इसमें अगर मैं कहूँ तो ये जो टी पोर्शन इज दैट इज अ फोर हेड पोर्शन एंड ये नोज देखिए टी का कुछ शेप बना रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं ऑयल. ये टी जोन में ऑयल बहुत होता है, ठीक है. एंड देन ये जो चिन वाला एरिया होता है, यहाँ बहुत ऑयल होता है. तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके ना उनकी स्किन ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है, यानी कि जो चीक्स वाला जो एरिया होता है ये ड्राई होते हैं, है ना, ये ड्राई है. एंड देन ये जो ये टी जोन वाला पोर्शन है, एंड देन ये चिन वाला पोर्शन है, दिस इज ऑल ऑयली का होता है. देन देयर इज अ सेंसिटिव स्किन. ये रेड इरिटेटेड टाइट पैचेस से होते हैं, जरा सा भी कहीं बाहर निकला, कहीं कुछ हुआ तो देखिए पूरे स्किन पे एकदम लाल लाल पड़ जाती है. बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जरा सा वो सन में बाहर के देखा होगा कि सन में बाहर नहीं, पूरा चेहरा एकदम सिर्फ लाल हो जाता है ना. तो दिस इज द सेंसिटिव स्किन. ये सेंसिटिव स्किन की खासियत होती है.
तो अब ये डिफरेंट टाइप्स की स्किन है। आप अगर मैं बात करूं कि व्हाट्स योर स्किन ईटिंग, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को क्या खिला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे हम स्किन को हाथ से दाना पानी थोड़ी ना डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालते, लेकिन आप क्या हम स्किन पे क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं अप्लाई करते, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं ना, ऑयल तक अप्लाई करते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स एंड और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम अपने फेस पे एंड पूरे स्किन पे कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये कहता है कि ये आर स्किन जो होती है, हमारी जो स्किन होती है वो 60% चीज़ें यूज एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी हम ट्रॉपिकल प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ थिंग यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन, तो देन द स्किन विल अब्जॉर्ब 60% ऑफ इट, 60% चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेगी। क्या ऐसा नहीं होता? डेफिनेटली होता है ना। अभी जो अगर मैं नॉर्मल वुमेन की बात करूँ तो नॉर्मल वुमेन क्या करती है कि 515 केमिकल्स पर डे यूज़ करती है, यानी कि 515 केमिकल्स उसके बॉडी उसके स्किन पे हर दिन जाता है। अब आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का केमिकल रोज हमारी त्वचा जो है ना झेलती है। तो सोचिए केमिकल क्या हमारे स्किन के लिए कभी भी अच्छा हुआ है? कभी भी नहीं अच्छा हुआ है, राइट। तो ये स्किन पे हम लिटरली बहुत ही ज़्यादा हजार्डस इफेक्ट डालता है, एंड देन धीरे धीरे चल के हमें स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को दिन प्रतिदिन मिलने लगती है। देन कॉज क्या है, क्या स्किन क्या क्या पोल्यूशन कॉज नहीं करता हमारी स्किन को? देखिए कहीं बाहर से घूम के आइए तो आप अपने आप आपकी आपकी स्किन कितनी भी सही से हो, कितने भी आपका अच्छा था, आपने उसे साफ करके फेस अपने घर से निकला हो, लेकिन फिर भी आएंगे तो एकदम आपको डर्ट की एक लेयर आपको देखने को मिलेगी अपने फेस पे। दैट इज ऑल पोल्यूशन विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन योर स्किन। देन टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो आपको देखिए तो कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कभी ऑयली हो जाती है स्किन, कभी कुछ हो जाता है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो डिप्रेस होते हैं उनकी स्किन देखिए एकदम काली काली सी पड़ जाती है, दिस बिकॉज की हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। स्मोकिंग से भाई बहुत डेंजरस इफेक्ट पड़ता है, स्किन में एकदम रिंकल्स वगैरह निकल आती है। अल्कोहल से पड़ता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस मैंने भी बताया होते ही हैं। देन हार्श सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं अगर मैं बताऊँ तो सोप से इतना ज़बरदस्त, आप रोज डेली का सोप अप्लाई करते हैं और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया पर्सनली, अगर मैं आपकी बात बताऊँ तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 9-10 साल हो गए होंगे मुझे सोप यूज़ किए हुए, 8-9 साल हो गए होंगे, बिकॉज सोप बहुत लिटरली बहुत हार्श इफेक्ट डालता है आपकी स्किन पे, और ये इस तरीके से आपकी बॉडी का पूरा मॉइस्चर गायब कर देता है, साथ ही के साथ सिर्फ केमिकल्स छोड़ता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज़ द हार्श इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। मेडिकल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं स्किन में। सीजनल चेंजेस आपने देखा होगा, गर्मी सर्दी बरसात में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सर्दी में देखिए एकदम फट सी जाती है स्किन, है ना, ये सारी चीज़ होती हैं। केमिकल्स, फ्रेग्रेंस, ये जो हम डिओज और परफ्यूम इतने धड़ल्ले से यूज़ करते हैं वो हमें स्किन पर जाकर के बहुत स्किन कैंसर तक की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। डाइट, आर डाइट शुड भी हेल्दी, देखिए कहा जाता है ना कि खूब पानी पीजिए, खूब सीजनल फूड्स खाइए, है ना, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी स्किन उस पर अच्छी होती है। यूवी एक्सपोजर आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूवी एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो यूवी एक्सपोजर किस तरीके से काम करता है, जैसे कि क्या होता है ना कि आपने सुना होगा स्किन कैंसर हो रहा है ड्यू टू द सनलाइट। कैसे हो रहा है? क्योंकि वो जो यूवी लाइट है ना वो हमारी स्किन की लेयर को फाड़ती हुई अंदर तक चली जाती है, एंड देन वो स्किन कैंसर कॉज कर देती है। तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ यूवी एक्सपोजर टूवर्ड्स द स्किन। तो ये सारे भी इफेक्ट्स हैं, ये जितने बेसिकली सारे की जितने इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ना, सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं जो कि स्किन के लिए ना अच्छे या बुरे तरीके से काम कर सकते हैं। देन देयर इज स्किन केयर प्रोडक्ट का मार्केट क्या है। अब बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि हम जिस चीज़ में डील करने वाले हैं क्या वो लिटरली आगे चल के काम करेगी, कि हम सिर्फ ऐसे ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, ठीक है, हवा में हम बात नहीं कर सकते, वी शुड बी वेरी क्लियर। अब कैसे क्या है कि जो मार्केट ग्रोथ होती है ना वो क्या करती है कि एक्सेलरेट करती है 7% की दर से। अब आप जैसे कि मैं बात करूँ तो CAGR होता है एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर साल की ग्रोथ रेट क्या है, दर क्या है ना। तो ग्लोबल ऑर्गेनिक स्किन केयर की मैं बात करूँ क्योंकि हमारी कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक है ना, तो अगर मैं ऑर्गेनिक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो 7% की दर से हर साल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, सोचिए 7% की दर से। और अगर मैं 2020 के अकेले की बात करूँ ना, पिछले साल की जैसे बात करूँ 2020 की, तो ये 10.22% एस्टिमेट किया गया था कि इतना जो हमारा ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हो रखी है, ठीक है। अगर मैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात करूँ तो 2019 से 2024 तक पहुँचने में
ठीक है 2024 तक आने तक $3.2 बिलियन की टर्नओवर क्रिएट कर देगा ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट का मार्केट. अब यू कैन इमेजिन कि लोग यूज करेंगे तब तो लोग इसकी तरफ जाएंगे तब तो, ठीक है. दैट्स वाई इसी वजह से ग्लोबल ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है. अब अगर मैं बात करूँ तो जो इसके सबसे की ड्राइवर्स हैं ना जो इस मार्केट का, तो मैं कहूँगी कि ये जो स्किन केयर के ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं ना वो हैं. इस वजह से ये आप कहेंगे ना कि ये चलेगा क्यों, ऑर्गेनिक स्किन केयर चलेगा क्यों, बिकॉज इसके बहुत सारे तगड़े बेनिफिट्स हैं. अब बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ना, कि आपने देखा होगा इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जिस बिकॉज दे आर नेचुरल, ठीक है. ज़्यादातर आपको ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि हार्मफुल निकलती है ना, लेकिन स्टिल और बट वी आर डीलिंग इन द प्योरिटी. सो उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होती हैं, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेचुरल इफेक्ट मिलता है स्किन को. दैट्स वाई इट इज़ द वेरी मतलब डिमांडिंग चीज़ है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनिक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की. तो इसी के कारण क्या होगा कि मार्केट देखिए डे बाई डे फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि डिवाइड होगा, है ना. अब आज से पहले आपने नहीं सुना, अब आजकल आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक हम ब्रांड्स आपको सुनने का, अब आप ये बेहतर जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स जो होंगे आपने देखा होगा कि उनके ऑर्गेनिक उसमें शुरू हो गया है ना, ऑर्गेनिक मैं कहूँगी कि कैटेगरी में वो शुरू हो चुका है, इसके जो मार्केट में मार्केटिंग है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब ऑर्गेनिक चीज़ों में डील कर रहे हैं, ऑर्गेनिक स्किन केयर के चीज़ों में डील कर रहे हैं. सो इसी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है. तो आज से पहले तो ऐसा नहीं था ना, क्यों, क्योंकि अब लोगों की डिमांड हो रही है, तब तो ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं उतर रही हैं. सो इसी के बेसिस पर बात हो रही थी कि ये जो 2020 से 2024 का जो आंकड़ा था ना वो इस तरीके से किस कदर बढ़ने वाला था. अगर आप फॉरएवर में, तो इट मीन्स यू विल इन द बेस्ट फेस, ठीक है, आप बहुत अच्छे बेस्ट फेस में आने वाले हैं, जिससे आपको ये इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि हम लोग मार्केट के साथ हैं कि नहीं. डोंट वरी, वी आर विद द रिपोर्ट्स, हम लोग रिपोर्ट्स के साथ हैं, हम लोग मार्केट सर्वे के साथ हैं. देन मैं अगर मैं बात करूँ तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं, अपने वन बाय वन प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज सैनिटाइजर. अब भाई हाथ साफ करने की बहुत बड़ी बारी है ना, चलिए साफ करते चलते हैं. अब हैंड सैनिटाइजर की मैं अगर बात करूँ तो ये बहुत ही आज के टाइम में कॉमन हो चुका है, क्योंकि हाल ही में है ना कोविड पॉजिटिव, इनफैक्ट स्टिल नाउ वी आर इन द कंडीशंस ऑफ लॉकडाउन एंड समवेयर लॉकडाउन, कहीं कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड पॉजिटिव लोग हैं ना, तो वहाँ पे क्या था कि सैनिटाइजर की डिमांड थी. अब क्या ये ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने अभी नया स्टार्ट किया है को सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट किया होगा, नथिंग लाइक दैट. सैनिटाइजर बहुत पहले से ही कंपनी दे रही है, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले से ही सैनिटाइजर के यूज़ थे, बट लोगों को अब इसकी ज़्यादा इफेक्ट पता चले हैं कि लिटरली सैनिटाइजर का यूज़ है, ठीक है. बहुत सारे शब्द नए नए सीखे हैं लोगों ने लॉकडाउन के दौरान, है ना, तो ये लाइक सैनिटाइजर, क्वारंटीन, लॉकडाउन, ये सब क्या है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोविड ने इतना ज़बरदस्त इफेक्ट दिखाया. तो सैनिटाइजर तो हर एक बंदे की डिमांड है ना आजकल, तो हम इसे आराम से हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं. तो अब अगर मैं बात करूँ बाकी के हैंड सैनिटाइजर में, उसमें क्या खास बात है कि हमारा जो हैंड सैनिटाइजर है उसमें एलोवेरा, हनी और अल्कोहल है. अल्कोहल ये अकेला एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको अल्कोहल मिलेगा, जिस बिकॉज ऑफ किस लिए आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल ज़रूरी है जर्म्स को मारने के लिए ना, वो वायरस को, इन्फेक्शन वायरस को मारने के लिए. तो इसमें इथाइल अल्कोहल है विच इज़ द बेस्ट अल्कोहल फॉर द जर्म्स किलिंग. और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एलोवेरा हनी एंड ग्लिसरीन है साथ के साथ इसमें. अब बाकी के और इसके में क्या खासियत ये है कि बाकी के आपने हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया, यूज़ करते करते देखिए क्या होता है, स्किन के पूरे ना वो पील्स निकलने लेते हैं, छिलके छिलके जैसे निकलने लगते हैं, एंड देन वो स्किन बहुत ज़्यादा हार्श, एकदम ड्राई ड्राई सी हो जाती है. बट हमारा हैंड सैनिटाइजर से पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन भी है, हनी भी है, अल्कोहल और एलोवेरा भी है, जो कि पूरी हीलिंग देता है, और हनी और ग्लिसरीन अच्छे से सूदिंग भी देता है ना, उसे मॉइस्चराइजेशन भी देता है. तो स्किन और हैंड को मॉइस्चराइज, मतलब स्किन या फिर जो भी हैंड है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. रेजर कट वगैरह होने पर भी आप इसको लगा सकते हैं. केमिकल है, जैसे कि बहुत सारे लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, पीपीई किट्स वगैरह जो आपने देखा ना पहनते हैं, फिर नॉर्मली आप, मैं अगर ग्लव्स का एग्जाम्पल दूँ, आप कोई ग्लव्स पहनिए, रबर ग्लव्स पहने, उसके बाद देखिए जो उसमें केमिकल टाइप का होता है, पाउडर टाइप का, देन आप उसको निकालें तो कुछ टाइम आपको पूरी स्किन में एकदम केमिकल्स लग रहे हैं, किसी भी टाइप के आप केमिकल्स के टच में आए हैं, तो बी श्योर कि आप एक बार हैंड से सैनिटाइजर से आप साफ कर लेते हैं, तो दिस विल बी गिव यू गुड रिजल्ट्स. मोबाइल फोन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट चीज़ों को साफ करने के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो आप ये किसी भी बंदे को आराम से रिकमेंड हो जाता है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर द फॉर एवर.
देन दिस इज द वंडरफुल थिंग फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल। अगर मैं इसके टूथ जेल की मैं बात करूँ ना स्पेशली, तो इसकी खासियत कुछ इस तरीके की है कि जब मैं यहाँ पे आई थी, नई नया स्टार्ट किया था मैंने फॉर एवर यहाँ पे, तो मुझे इसके बारे में पता चला था, तो मैंने इसको भी अपने पर्सनल पर मैंने इंक्लूड किया था फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल। ये मेरा डेली का रूटीन था, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मैं इस टूथ जेल की खासियत बताऊँ ना, तो ये भाई स्किन की तो सॉरी टीथ की कितनी भी प्रॉब्लम हो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लाइक पायरिया हो गए, मुंह के छाले हो गए, है ना, माउथ ऑर्डर की प्रॉब्लम है लोगों को, या फिर येलो टीथ हैं उनकी प्रॉब्लम है, कैविटी है, टार्टर है, प्लाक है, कुछ भी है, उन सब के लिए तो बहुत अच्छा है। दांतों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बेहतरीन है ये। लेकिन साथ ही के साथ इसके और दूसरे भी पर्पज और दूसरी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फॉर एवर के प्रोडक्ट्स मल्टीपर्पज़ होते हैं। अब आप इसको कहाँ कहाँ, आप अपने हेडेक पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको हेडेक होता है ना, तो आप हेडेक के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सर दर्द के लिए। देन कहीं जल जाए, ठीक है, स्किन कट जाए, जल जाए, तो आपको मिलता हूँ, मेरी एक रिलेटिव है, उनको पूरा पूरा जल गई थी चाय से, ठीक है, तो उन्होंने एलोवेरा टूथ जेल लगाया था एंड शी गॉट द रिजल्ट्स, उनको छाले भी नहीं पड़े थे। और ऐसा कई बार होता है कि मैं लिटरली, हम लोग कई बार घर में जल जाते हैं और ये विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। आपकी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, रिंग वॉम वगैरह में क्या होता है कि टिश्यूज बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाती है, तो वहाँ पर रिपेयर कर देता है। एंट बाइट हो गई, बी बाइट हो गई, मॉस्किटो बाइट हो गई, इन्फेक्शन से होने लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा गल देता है। गला बैठा होता है लोगों का, आप इससे गार्गल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको पाइल्स के पेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या जहाँ पाइल्स जो अफेक्टेड हो गए थे ना, वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ द बेस्ट, इनफैक्ट इसको फेस वॉश की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। मैं इसकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना, मैं लिटरली रोज का इसका, और इसको ना ऐसा भी नहीं है कि आपको रहता कि आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अकेला बंदा इसको 6 महीने यूज़ कर सकता है। अब अगर मैं इसकी बात बताऊँगा तो ये पी साइज, यानी कि हाथों में एकदम मटर के दाने जितना लेना होता है पूरे दांतों पर फैला गया, एंड देन यू कैन ब्रश इट। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत कंसनट्रेटेड अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा लेदर नहीं लगता, सब कुछ ऐसा नहीं होता, एकदम नॉर्मल सी चीज़ों में आपके दांत साफ कर देता है। यू विल फील कि लिटरली आपने कुछ किया। और मुझे माउथ ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती थी, लिटरली आई गॉट रिजल्ट फ्रॉम दिस फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। नेक्स्ट मैं बात करूँगी एलो एवर शील्ड की, अगेन द वंडरफुल थिंग, आई एम यूजिंग डेली दिस प्रोडक्ट। ये हमारे डेली का डेली केयर या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये एलो एवर शील्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को। इसमें एलोवेरा है तो ये क्या करता है कि थर्ड लेयर तक जाता है ना, तो हमारी जो हाइपोडर्मिस में जो लेयर दिखाई थी वहाँ तक जाता है। अच्छा क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ना कि पसीने आते हैं, तो पसीने आना बुरी बात नहीं होती, बट पसीने से जो दुर्गंध आती है ना, ऑडर आता है, वो बहुत बुरी बात है। क्यों? बिकॉज क्या वो दुर्गंध आती क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अब बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करेंगे तो उसकी ग्रोथ से वो स्मेल आती है। तो ये जो एलो एवर शील्ड जब आप उसको नहाने के बाद आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होता है कि किसी भी टाइप की बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता। नॉर्मली पर्सपिरेशन होता है, पसीना होता है, और वो धीरे धीरे खुशबू आती है बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसकी खासियत है। इसमें किसी भी टाइप का एल्यूमिनियम सॉल्ट, जर्कोनियम सॉल्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्श इफेक्ट दे या कुछ उसका हार्श इफेक्ट पहुंचाए। सॉक्स की ऑर्डर, सॉक्स ऑर्डर में बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जूतों से बदबू आती है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है नहाने के बाद अपनी हील्स पे अप्लाई करके अंदर अपने सॉक्स और शूज़ वगैरह पहन के आप निकल जाइए, दिस इज द बेस्ट थिंग। और अगर आपको बॉडी ऑडर की लिटरली प्रॉब्लम है, तो 2 से 3 मंथ्स आप इसको लगातार यूज़ करें ना, यू विल गेट द रिजल्ट, टोटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ना, अगर मैं बताऊँ कि फाइटी वाली चीज़ों पर हम ज़्यादा जाते हैं ना, तो लॉन्ग लास्टिंग है ये, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है। 9 से 10 महीने, 8 से 9, 8, 9, 10 महीने आराम से यूज़ हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, तो एक बार आप लेते हैं देन आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर लेते हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। और इसके एक और वंडरफुल आपको इफेक्ट मिलेगा कि अगेन आप इसको कहीं किसी इन्फेक्शन वगैरह में तो कहीं पे भी लगा ही सकते हैं, एंड वाइट वगैरह कुछ ऐसा हो गया तो आप लगा ही सकते हैं। साथ ही के साथ आप इसको अपनी क्रैक हील्स में भी लगा सकते हैं, जो होते हैं ना एरिया फटती हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा के अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एलोवेरा शील्ड। देन मैं बात करूँगी एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप की। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, जो कि 100% प्योर एवोकाडो ऑयल है इसमें। अब इससे क्या होता है, कोई इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है। ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है बेसिकली, और डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है, त्वचा के जो रोम छिद्र होते हैं ना, ओपोज होते हैं, उनको खोलता है, तो जिससे क्या होता है कि प्योर वे में स्किन सांस ले पाती है, कहने का मतलब होता है। तो मॉइस्चराइजर की जरूरत भी नहीं पड़ती इसको, स्किन आपको लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग होता है, अगेन अगर आप इसको सिर्फ फेस पे यूज़ करते हैं तो 4 महीने चल जाता है, अकेला बंदा यूज़ कर रहा है तो, और बॉडी पे पूरे लगा रहे हैं आप तो 3 मंथ्स तो आराम से चल जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अगेन एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। सो नेक्स्ट वी प्रोसीड टू
शैम्पू, एलो जुजुबा शैम्पू बेस्ट थिंग है। 80-90% इसमें एलोवेरा जेल है, लेवेंडर ऑयल है, रोजहिप्स ऑयल है, जुजुबा ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 82-90 इसका जो पीएच होता है वो स्किन के साथ एकदम बैलेंस कर जाता है, एकदम मैच करता है। यानी कि जिस टाइप का आपका अगर मैं कहूँ कि जिस टाइप का आप जिस टाइप के आपके स्किन का पीएच होता है ना, सेम पीएच को हमारे इसका रहता है और ये हमारे इसके साथ स्किन के पीएच के साथ मैच कर जाता है। दैट्स वाई जो हमारे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, हमारी स्किन हमारी बॉडी से जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये किसी भी टाइप की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपको बाल स्ट्रेट हो, वेवी हो, कर्ली हो, या फिर अगेन किसी भी कलर के हो, किसी भी टाइप के हो, ड्राई हो, कैसे भी स्किन कैसा भी आपका हेयर हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बेहतरीन चीज़, डैंड्रफ को रिमूव करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से दूर रखता है, तो डैंड्रफ रिमूव हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है डैंड्रफ होना, बट इट इज़ रिमूव बाय दिस प्रोडक्ट। देन लीस, लाइस की प्रॉब्लम आपने बहुत सुनी होगी, लाइस यानी कि लीकों की जो प्रॉब्लम होती है ना, लीकों को भी साफ करने में बहुत हेल्पफुल है। हेयर का वॉल्यूम मेंटेन करता है, डिफरेंट डिफरेंट हेयर कलर्स के अच्छा है, और जो बालों की जो जड़ें हैं ना उनको मजबूत देता है, मजबूती देता है, डेड टिश्यूज को हटा देता है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट देता है, जो डैमेज हो जाते हैं ना फॉलिकल्स, उनको ट्रीटमेंट देता है। पूरे हेयर का मैं कहूँगी कि ओवरऑल टॉनिक होता है ये, तो आप इसको आराम से शैम्पू को अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको जब हाथ में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे नॉर्मल पानी दे रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग आप शैम्पू को यूज़ करें तो। तो देन इसी का एक सिस्टर प्रोडक्ट कहता है फॉरएवर एलो कंडीशनर, जिसको हम आम भाषा में कंडीशनर भी बोलते हैं। अगर ऐसे की बात करूँ तो इसमें एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, मैकेडेमिया नट्स, सनफ्लावर सीड ऑयल, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ये ड्राई हेयर को ट्रीट करने में बहुत काम आता है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है, और रूट हेयर को मजबूती देता है ना, जो हेयर्स के जो रूट होते हैं ना उनको मजबूती देता है। तो ये एक पकड़ाव कर रहता है, जो टूटते हैं ना बीच में, कभी कभी क्या होता है कि बाल बहुत टूटते हैं, बीच बीच से टूटते हैं, तो उनको उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो पूरे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है बालों को, ताकि वो टूटे ना, अच्छी हेयर ग्रोथ कराता है, नरिशमेंट देता है, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, हेयर फॉल, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में कंडीशनिंग रिंस बहुत बेहतरीन काम देता है। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो अगर ये दोनों आप शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कर सकते हैं तो इससे बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि आप उसको यूज कर सकें, बहुत अच्छी चीज़ है। आगे देन मैं बात करूँगी हैंड सोप की। ओहो, दिस इज़ अ बेस्ट थिंग। अगर आप मैंने आप देखिए मैंने बोला हैंड सोप, अभी देखिए आपके इसके कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्चुअली इसका नाम पहले एलो बॉडी सोप के नाम से आता था, बट क्योंकि कंपनी हमेशा स्पेसिफिसिटी में डील करती है, तो दैट्स वाई इसने इसका हैंड सोप नाम हो गया। बट आप अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब इसका पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, ककुम्बर एक्सट्रैक्ट, खीरे का एक्सट्रैक्ट, लेमन पील ऑयल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। अब ये स्किन के मतलब जो भी जर्म्स हैं उनको तो रिमूव करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, तो चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबके अगेंस्ट काम करता है। अच्छा, अब इसको सबसे बात है कि अब चलिए ये बात करते हैं कि इसको आप यूज़ कहाँ कर। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एलोवेरा है ना, इसमें तो इसमें लिग्निन और सैपोलिन होता है, तो अगेन ये थर्ड लेयर तक जाएगा और जर्म्स वगैरह को और डर्ट वगैरह को साफ कर देगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है। अब देखिए इस प्रिंसिपल के साथ ये कहाँ कहाँ साफ सफाई करता है। यू कैन यूज़ इट एज अ फेस वॉश ऑल्सो, आप इसको फेस वॉश के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बच्चा, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उसको भी नहला सकते हो एलो हैंड सोप से। इतनी असरदार चीज़ है ये, क्योंकि इसमें नो टीयर फॉर्मूला है। मतलब आपने सुना होगा कि बच्चों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें बोलता है नो टीयर फॉर्मूला है ना, इरिटेट, इसका मतलब कि अगर बाल आंखों में सर चला गया तो इरिटेशन नहीं होगी। तो ये चीज़ है, इसी वजह से इसको बेबी बॉडी वॉश की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोटली सेफ। हाँ, आपके पास शैम्पू अवेलेबल नहीं है, आप इसको हेयर वॉश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में कोई पेट है, आप उनके बॉडी वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप खुद के बेदिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेचुरल शैम्पूमाइल रहता है, तो एक धीमी सी फ्रेग्रेंस रहती है बॉडी पर। सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। तो यू कैन अगेन यूज़ दिस एलो हैंड सोप, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आप खुद सोच सकते हैं, आप ये अकेला प्रोडक्ट है, पूरे घर घर का काम कर दे, तो दिस इज द इससे बेहतरीन चीज़ आपको कुछ नहीं मिलेगी और किफ़ायती भी पड़ जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलो हैंड सोप। देन मैं बात करूँगी हमारे एलो लिप्स की। अब अगर मैं एलो लिप्स की मैं बात करूँ तो फॉर एवर फेवरेट प्रोडक्ट है, मेरा तो फेवरेट जो भाई मैं है, बहुत फेवरेट है भाई, ठीक है, लेकिन एक फॉर एवर फेवरेट भी है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जो इसके जो ऑर्डर होता है, इसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर डालता है एलो लिप्स का, फॉर एवर एलो लिप्स का। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि जो ये एलोवेरा, बी वैक्स और जोजोबा का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ काम आता है। एक्ने,
सनबर्न, ठीक है, आप अपने लिप पे तो यूज कर ही रहे हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, एक्ने, सनबर्न, सोरियासिस, सीबम ग्लैंड्स, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती है ना, ऑयल ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, उनको ट्रीटमेंट देने में काम आता है, लिप्स की पील जो निकलते रहते हैं ना रिमूव, उनको ठीक करने में, और क्रैक जो तो ना फट जाते हैं लिप्स और खून निकलने लगता है, उनको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, हर जगह हेल्पफुल है। काले जो बहुत सारे लोग ना स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग से उनके ना लिप्स बहुत काले हो जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, उनका नेचुरल टेक्सचर वापस लाने के लिए, देन बर्निंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कट स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, रैशेज, हील, सूचर्स को ठीक करने में जो टांके लगते हैं ना उनको ठीक करने में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लिप्स को अपने हाइड्रेट रख सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलो, फॉर एवर एलो लिप्स। देन मैं अगर बात करूँ, अच्छा एक चीज़ उसके मैं बताना आपको भूल गई कि इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये है ना कि आप उसको कहीं जल जल गए हैं ना, तो वहाँ पर भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। और जलने का मैं अगर आपको टेस्टिमनी बताऊँ, तो मैं एक बार जल गई थी, जो होते ना कि खोलता हुआ तेल होता जल रहा था एकदम तेल, उससे मैं जल गई थी, और मैंने जस्ट इमिडिएटली, मेरे पास यही था, मैंने इसको लगाया और लिटरली 10 से 5 मिनट के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ लिटरली मैं जली थी। तो इट इज़ द बेस्ट बेनिफिट, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी लगाइए, वन इन ऑल प्रोडक्ट है भाई, वन इन ऑल, कहीं भी बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट कहते हैं ना, अडेप्ट हो जाता है और बहुत बेहतरीन काम करता है। Then we'll proceed to aloe vera jelly. अब it is again the best thing. अगर मैं बात करूँ तो अब इसको मैंने इसको उसमें लगाया भी है। फर्स्ट इंग्रेडियंट है इसमें बारबाडेंसिस, एलो बारबाडेंसिस जूस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, अभी किसी की ऑयली स्किन है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये, क्या कहता है कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा एलोवेरा जेली। अब उसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, मॉइस्चराइजर की तरफ तो यूज़ किया ही जा सकता है। अब देखिए जैसे बच्चों में आपने देखा होगा कि उनके दांत निकलते हैं तो उनको दूध के दांत निकलते हैं तो दर्द होता है ना, तो आप वहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, उनको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट मिलता है। साथ ही आप उनके छोड़िए, मैं मुझे विजडम टीथ निकल रहे थे तो उस दौरान मैंने एलोवेरा जेली लगाया था, लिटरली अगर तो रिजल्ट मुझे एक रात में मुझे लगा कि अरे वाओ दर्द तो ठीक हो रहा है, इस तरीके से चीज़ थी, बहुत ही बेस्ट थिंग है ये, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। देन स्कार्स, एक्ने, ठीक है, बच्चों में जो नैपी रैशेज हो जाते हैं उनको, जल गए आप वहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और एड़ियाँ फटी आप वहाँ पे यूज़ कर लीजिए, इन तो बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़, बहुत सारे लोग हेयर कलर करवाते हैं ना, तो हेयर कलर करवाने में जो कलर लगते हैं तो बालों पर बहुत जो केमिकल्स ही तो होते हैं जो हमारे बालों पर हार्श इफेक्ट डालते हैं, तो अगर आप हेयर कलर करवाने से पहले एलोवेरा जेली लगा लें तो यू विल गेट द रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। देन अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे अच्छी चीज़ इसकी मुझे लगती है जो पर्सनली, कि आपके अगर डैंड्रफ है ना, तो स्कैल्प पे डैंड्रफ है अगर आपको, तो आप उन्हें फंगल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उनको अपने हेड पे स्कैल्प पर लगा लीजिए एंड देन दूसरे दिन आप अपने हेयर को नॉर्मली पानी से वॉश कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि धीरे 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 आपकी डैंड्रफ के जो इश्यूज होते हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये एलोवेरा जेली की खासियत है, बहुत ही अच्छी, मेरा डेली का, मेरे पास ये डेली का प्रोडक्ट, बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने के लिए। देन देयर इज एलो स्क्रब। अब एलो स्क्रब की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में के स्क्रब में और यहाँ के स्क्रब में क्या खास है, तो थोड़ा ये है तो आपको बताना पड़ेगा भाई, है ना, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, ये जो मार्केट के स्क्रब्स होते हैं ना उसमें होता है हमारा जो मूंगफली होते हैं, मूंगफली के जो छिलके होते हैं ना उनका उनका चूरा मैं कहूँगी रहता है, ठीक है, उनको ग्राइंड करके यूज़ किया जाता है। अब ये जो जब उनको ग्राइंड भी कर दिया जाता है ना, तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का, ये ऐसे मतलब पॉइंटेड पॉइंटेड, कितना भी आप इनको फाइन पीस लें, ठीक है, इस तरीके से फाइन क्वाड्रिलेटरल में या ट्राइंगुलर शेप में, ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल में आता है। तो अब ये क्या करता है, हमारी स्किन के नीचे ना ऐसे ब्लड वेसल्स चल रही होती हैं, अब उन्हीं ब्लड वेसल्स के भी ये जाता है जब ये, तो इसे उसको फाड़ देता है। अब जब वो ब्लड वेसल्स फट जाती है ना, तो स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड की नलियाँ चल रही हैं, वो जब फट जाती हैं तो होता क्या है कि वो ब्लीडिंग होने लगती है, स्किन के नीचे ही ब्लीडिंग होने लगती है और हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे फेस पे लालिमा आ गई और फिर हमारा फेस बहुत अच्छा हो गया। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमारे फेस पे और उल्टा हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, खराब कर रहा है ना, हमें कैपिलरीज को खराब कर रहा है। तो ज़रूरी है, तो ये क्योंकि ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है फेस के लिए भी बॉडी के लिए, और आप कहेंगे कि ठीक है वहाँ तो ऐसा है, आपके में क्या है, हमारे में क्या है कि जोजोबा के बीड्स हैं। अब जोजोबा के जो बीड्स होते हैं ना वो माइक्रोस्फेयर फॉर्म होते हैं, एकदम बहुत छोटे से एकदम स्फेयर फॉर्म होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म होते हैं एकदम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे डेट्स जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं स्किन के, उनके ऊपर जा करके ऐसे उसको साफ करके देन हट जाते हैं, मतलब इस तरीके से साफ करने का काम करते हैं।
तो एक्सफोलिएशन का काम करते हैं बेसिकली, फेस के लिए भी बॉडी के लिए भी, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, स्किन की रिन्यूअल प्रोसेस को बढ़ाते हैं। और क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो गंदगी होती है ना हमारे पोर्स में जाकर बैठ जाती है, तो डलनेस दिखने लगती है हमारी स्किन पे, है ना, तो उसको जो पोर्स एकदम क्लॉग हो गए हैं तो उनको खोलने का काम करता है, डलनेस को रिमूव करता है। देन डेब्रिस वगैरह को साफ करके एक इंस्टेंट सा ग्लो देता है। अब इसके बाद अगर आप एलोवेरा जेली अप्लाई करते हैं ना तो आपको इंस्टेंटली ग्लो मिलेगा, तो दिस इज द बेनिफिट। अगेन अगर आप एलो स्क्रब में हमारा बी हनी अगर डाल के लगाते हैं तो देन आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलो स्क्रब। देन मैं अगर बात करूँ एपीब्लेंड की, अब इट इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग। एपीब्लेंड की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज प्योर एलोवेरा जेल, विटामिन ई और एक हर्ब है जिसको हम कहते हैं रूमेक्स ऑक्सीडेंटालिस, देन आर्बिट्रिन बियरबेरी। आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स देखने पा रहे होंगे, रूमेक्स ऑक्सीडेंटालिस ये आर्बिट्रिन है, ठीक है, बियरबेरी, तो ये सारी चीज़ें, ग्लिसरीन, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि जो ऐसे पर्सन जहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट चीज़ है। मेरी एक मेरी ट्यूसीजी के दौरान मैंने मेरी एक नेबर है, मैंने उनको इसको दिया था, शी गॉट द रिजल्ट्स। उनको झाइयाँ थी, पिगमेंटेशन झाइयाँ जो होती है ना उनमें बहुत हेल्पफुल है एपीब्लेंड। हमारा स्किन पे उनको इवन कर देता है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है। अब जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के स्किन पे जैसे छोटे छोटे ना मतलब हल्के हल्के काले काले टाइप के या फिर हल्के सांवले टाइप के, आपको छोटे 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 बहुत इकट्ठा करके बहुत धब्बे मिलेंगे, है ना, स्पॉट्स टाइप के रहते हैं, तो उनको रिमूव करने का बेसिकली काम उसके अपीयरेंस को कम कर देता है, स्किन की जो डिसकलरेशन हो जाता है उसको कलर को नॉर्मल कर देता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इसमें ये बहुत अच्छा है एपीब्लेंड का गेन, आप इसको रात में भी लगा करके सो सकते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट, तो बहुत अच्छी चीज़ है एपीब्लेंड अगेन। देन द एलो सनस्क्रीन, भाई गर्मी है, गर्मी में सबको चाहिए सनस्क्रीन, है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप घर में भी है ना तो भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करें। और भाई वंडरफुल थिंग है, मैं इसको डेली यूज करती हूँ, इसमें SPF 30 है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 है, जो कि सन से 30 मिनट टाइम आपको बचाता है ना, अगर नॉर्मल टाइम से अगर आपकी स्किन कुछ टाइम में खराब होनी है सन से तो वो 30 मिनट टाइम बढ़ा देता है, तो प्रोटेक्ट कर देता है उससे, टैनिंग से प्रोटेक्ट करता है, जो स्किन लगातार सन के एक्सपोजर से होने से जो काली पड़ जाती है उसकी टैनिंग नहीं होने देता, स्किन में मॉइस्चर बनाए रखता है, मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है, सेंसिटिव और एलर्जी स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और अगेन इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, अगर मैं आपके लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ ना, मैं आपको कहूँगी कि 8 से 10 महीने चलेगा, आप कहेंगे कैसे चलेगा भाई, तो मैं बताती हूँ कि आप ये जो शाइन लिखा हुआ है ना, ये आई के ऊपर ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, जस्ट इतना यूज़ करना होगा, अगर आप शॉक हो जाएंगे, आप खुद कभी यूज़ कीजिएगा, लिटरली यू विल गेट द रिजल्ट। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगे ना, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ले लिया यार, बहुत कंसनट्रेटेड है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, कंसनट्रेटेड हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो आपको भले ही छोटे दिखेंगे बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम करते हैं लोग, तो इन बहुत छोटे सी अमाउंट में लेना होता है, पूरी स्किन पे आसानी से लग जाता है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलो सनस्क्रीन। देन अगेन एलो प्रोपोलिस क्रीम, वंडरफुल थिंग इट इज, इसमें एलोवेरा, बी प्रोपोलिस, शेमोमाइल। अब बी प्रोपोलिस क्या होता है कि आप ये देख भी रहे होंगे कि ये हनी कॉम है, मधुमक्खी का जो छत्ता आपको दिखता है, तो उसमें क्या होता है कि एक वैक्स सा एजेंट होता है, वैक्सीन चीज़ होती है जिससे वो इतने बड़े बड़े जो होल्स होते हैं ना उनको कवर करके रखती है ना, जो मधुमक्खी होती है वो कवर करके रखती है, इतने बड़े जो मधुमक्खी के छत्ते में इतने बड़े बड़े होल्स हैं उनको इसी बी प्रोपोलिस से एक वैक्स टाइप का होता है जिससे वो कवर करती है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, इसमें कोई भी माइक्रोब्स जाके कोई भी इंसेक्ट जाके फंस जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, और उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो छत्ते को नहीं मिलता, जो हनी वगैरह है वो खराब नहीं होता। तो बी प्रोपोलिस एक ऐसा टाइप का पोटेंट एजेंट है, तो वो इसमें शामिल किया गया है, एलोवेरा है, शेमोमाइल है, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, रैशेज में रिलीफ देता है, स्किन की इचिंग में बहुत अच्छा रिलीफ देता है, पिंपल्स, एक्जिमा, सोरियासिस, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, अगेन मुंह के छालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्रैक हील्स जो होती है ना, मतलब फटी एरिया वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन अगर मैं बात करूँ तो सनबर्न हो गया है ना, तो आप आ रहे हैं तो, जैसे आप हम ऐसे कह सकते हैं कि आप धूप में से देन आए हैं तो आपके मतलब पूरे त्वचा लाल लाल सी पड़ जाती है ना, इस तरीके से लगता है कि अब जले रखती है, तो उस समय आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे घर से बाहर निकलने से पहले अप्लाई कर सकते हैं, वापस आने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। कट हो गया, बुंड हो गया, ठीक है, कोई चोट लग गई, इंसेक्ट बाइट है, बर्न कहीं जल गए, बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना एलो प्रोपोलिस की,
तो एलो प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन करके अगर आप लगाते हैं ना, तो आपको बर्निंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरीके से एक वर्ल्ड बर्न कांग्रेस नाम की एक संस्था भी है जो कि 70-80% जो लोग जल जाते हैं ना उन पे काम करती है। तो ये एलो प्रोपोलिस क्रीम, वो वर्ल्ड बर्न कांग्रेस एलो प्रोपोलिस क्रीम प्लस एलोवेरा जेली के मिक्सचर को लगाती है उन 60-70% जले हुए लोगों पे। तो सोचिए वहाँ पे यूज किया जाता है और उनके द्वारा इन दोनों का अवार्ड भी मिला हुआ है, मतलब सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलो प्रोपोलिस क्रीम एंड एलोवेरा जेली। तो आप जहाँ पे हैं ना, आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिटरली वैल्यू है, बहुत ही क्वालिटी की चीज़ मिलती है। मैं खुद यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, देन तब मैं कह सकती हूँ आपको। आप भी यूज़ करेंगे तो आपको लिटरली पता चलेगा कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे अपने, एलो हीट लोशन। अब एलो हीट लोशन की मैं बात करूँ तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। इसमें मेंथॉल है, एलेंटॉइन का एक्सट्रैक्ट है, नीलगिरी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है, एप्रिकॉट का एक्सट्रैक्ट है और फ्लैक्सीड ऑयल है। अब ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और ये बेसिकली स्ट्रेस, बॉडी पेन इन सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हेडक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, बहुत जैसे बहुत सारे लोगों को हेडक होता है तो बाम वगैरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो उसकी जगह आप ये अप्लाई कर सकते हैं हीट लोशन, और आपको लिटरली मिलेगा रिजल्ट कि हाँ तो चीज़ें बेनिफिट बेनिफिशियल बेनिफिट देंगी। देन वार्म अप में के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट से पहले। शोल्डर पेन, बैक पेन इन सब में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कोल्ड में जब ठंड लग जाती है ना सर्दी में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्थराइटिस में जो नी पेन होता है ना, ऑर्थराइटिस यानी गठिया जब होता है, जब गर्द सॉरी ये घुटने का दर्द होता है, तो उस समय आप अपने उस दर्द को स्लो डाउन करने के लिए एमएसएम जेल और ये हीट लोशन को अप्लाई कर सकते हैं साथ में, एंड देन यू विल हैव द रिजल्ट। आपको लिटरली रिजल्ट मिलेगा, आपका दर्द लिटरली कम होता है, क्योंकि इसमें जो एलोवेरा है ना वो क्या करता है, बॉडी के अंदर ना गर्माहट लेके जाता है, और ये जितनी चीज़ें हैं नीलगिरी के पत्ते या एप्रिकॉट सारी चीज़ें ना गर्माहट लेके जाते हैं, और मेंथॉल होता है जो ऊपर से कूलिंग देता है, जिससे क्या होता है कि आपको दर्द पता नहीं चलता। तो ये एलो हीट लोशन की खासियत है बेसिकली। अगर आपको आपके घर में ऐसा कुछ भी इशू है, आपके घर में दाम आता है, आप किसी की जगह हीट लोशन आप यूज़ कर सकते हैं, और ये अगेन लॉन्ग लास्टिंग देते हैं, बहुत थोड़ा सा अप्लाई करना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो ये हीट लोशन की बात है, मसाज भी की जा सकती है। देन एमएसएम जेल। अब एमएसएम जेल क्या होता है, एमएसएम जेल इज द मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। अब आप कहेंगे तो कोई केमिकल है, आप तो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में केमिकल है, लिटरली नहीं है, बट ये जो है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, ये एक नेचुरल और कंपाउंड है जो कि हमारे जॉइंट्स में मसल्स में प्रोवाइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो ये मसल्स को इंटरनली रिलीफ पहुंचाता है। अगर इसको जॉइंट पेन मसल पेन के लिए आप इसे एमएसएम जेल और हीट लोशन को मिक्स करके लगाइए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप एलोवेरा जेली प्लस एलो प्रोपोलिस क्रीम लगाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप उसको सोच सकते हैं कि कोई ऐसा बहन है कि जो कि आपके स्किन के भी बहुत अच्छा इफेक्ट दे एंड देन आपके दर्द वगैरह को भी ठीक करे, तो दिस इज दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, तो आप इसको बस आपको बस जहाँ भी आपको लगाना है उस एरिया को साफ कर लीजिए अच्छे से, एंड देन फिर आप इसको लगा करके छोड़ सकते हैं। तो एकदम नॉन स्टिकी फॉर्मूला, मतलब तो मसाज कर सकते हैं एक बार, नॉन स्टिकी फॉर्मूला आपके कपड़ों वगैरह से चिपकता भी नहीं, तो इसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपने कहीं लगाया आपके कपड़ों से चिपक गया, आपके कपड़े खराब हो गए, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलो एमएसएम जेल। देन मरीन मास्क, ओहो वाओ, दिस इज द बेसिक थिंग। अब जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, तो बहुत सारे लोग ना डिफरेंट डिफरेंट मास्क लगाते हैं अपने फेस पे। ना क्यों लगाते हैं, बिकॉज क्या होता है कि उनके लिटरली उनको जो गर्मी में ना डलनेस आ जाती है स्किन पे, है ना, तो वो स्किन को रिजनुएट करने के लिए, उसको दोबारा से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है कि मास्क लगाएं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मास्क लगाते हैं। तो हम इस मास्क को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें है क्या, इसमें एक सी कैल्प है, एक एल्गी एक्सट्रैक्ट है। अब ये सी कैल्प क्या है, केल्प एक टाइप की एल्गी होती है जो कि आपको जो समुद्र की ना एकदम बॉटम में मिलती है, बीच में एकदम बॉटम में मिलती है, और बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है, तो दैट्स वाई हम वही सी केल्प यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन को टोन कर देता है। इसमें हनी भी है जो कि मॉइस्चर को रिटेन करता है और हाइड्रेटेड रखता है स्किन को, ठीक है। तो समर्स के दौरान जैसे मैंने आपको बताया, गर्मियों के दौरान डलनेस भी स्किन की रिमूव कर देता है। एक्ने ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, बहुत सारे लोगों को एक्ने वगैरह होते हैं ना, तो उस सबको रिमूव करने के लिए अच्छा है ये। फेस की कैपिलरीज को स्ट्रांग बनाता है, एक कूलिंग एजेंट का देता है, मतलब स्किन में ना एक ठंडक सी महसूस होती है। आप जब इसको अप्लाई करके यूज हटाएंगे ना, तो आपको का ठंडक ठंडक से महसूस हो रही है। स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। अब इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे टाल से पोंछ सकते हैं, अब लगा करके एक बार छोड़ सकते हैं, देन इसको टाल से पोंछ लीजिए।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड देन मरीन मास्क के बाद अगर आपने एलोवेरा जली लगा ली तो इंस्टेंट ग्लो मिलता है, बहुत ही बेहतरीन ग्लो मिलता है आपको। तो अगेन दिस इज द बेस्ट थिंग, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, तो यू कैन हैव दिस। एनी गर्ल कैन, मैं गर्ल की बात कर रही हूँ, हमारे जितने भी आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिले ना, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट हमारे यूनिसेक्स होते हैं, यानी कि मेल भी यूज़ कर सकता है, फीमेल भी यूज़ कर सकती है। तो मेल को भी ज़रूरत है ना अपने स्किन को अच्छे वो पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, तो मरीन मास्क है वहाँ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन थ्री फैक्टर स्किन डिफेंस फॉर एवर, थ्री फैक्टर स्किन डिफेंस क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो अगेन अपने अपने डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफेंस की बात कर रहे हैं। आर थ्री का मतलब क्या है यहाँ पे, आर थ्री का मतलब है रिटेन, रीस्टोर, रिन्यू, यानी कि जो भी चीज़ है हमारी स्किन में उसको रिटेन करना, देन रीस्टोर करना, उसको है ना रिटेन रखना है ना, जमा कर रखना, रीस्टोर करना, अगर खत्म हो गया तो दोबारा वापस से उसको लेके आना, रिन्यू करना यानी कि अगर एकदम से वो काम करने का नहीं रहेगा तो उसको रिन्यू उसको चेंज कर देना, दूसरा लेके आना। तो ये स्किन का, ये बेसिकली इसी आर्थिक फैक्टर पर ये काम करता है। ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है, स्किन के प्रोसेस को जो रिन्यूअल प्रोसेस होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपको लिटरली अच्छे रिजल्ट चाहिए ना तो 21 से 28 दिन आपको लगातार यूज करें तो आपको रिजल्ट मिलते हैं कि जो आपको जो रिंकल्स और जो स्किन पे डिफरेंट डिफरेंट पैचेज और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, अगेन बहुत ही डीपली जाकर एक काम करता है, तो ऐसी किसी चीज़ बिल्कुल नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना होता है, अगेन कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है ये तो। और स्किन के जो यूथफुल नेचर होता है ना बहुत अच्छे से, तो बहुत सारे लोग जब एजिंग प्रोसेस उनकी शुरू हो जाती है ना 30 के बाद लोग उसको आर्थिक फैक्टर को यूज करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सो अगेन दिस इज द वंडरफुल थिंग। देन जेंटलमैन स्प्राइट, इट इज़ अ अल्कोहल फ्री बाम फॉर एवर, जेंटलमैन स्प्राइट अल्कोहल फ्री बाम है ये। इसमें जैसे शेविंग के बाद इम्पैक्ट वैक्सीन, जो मैन जो शेविंग करते हैं और फिर जो फीमेल्स हैं वैक्सीन करती हैं, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेजर वगैरह का कट लग जाता है तो फिर सेंसिटिविटी या इरीटेशन होती है वहाँ पर, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है ये, उन सबसे राहत पहुँचाता है। और सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं बात इसकी बताऊँ ना, तो आप इसको ये आफ्टर शेव प्रोडक्ट है, यूनिसेक्स है अगेन, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि ये हार्मफुल सनरेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इसको एलो सनस्क्रीन के साथ मिक्स करके जेंटलमैन स्प्राइट को घर से निकलने से 30 मिनट पहले अगर आपने फेस पे लगा करके देन आप निकले तो आपको सन से पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। तो बहुत ही अच्छा फैक्टर के साथ ही काम करता है हमारा जेंटलमैन स्प्राइट। देन देयर इज एरो मॉइस्चराइजिंग लोशन। अब मॉइस्चराइजिंग लोशन की मैं क्या बात बताऊँ कि सबको जरूरत होती है ना मॉइस्चराइजर की, तो प्रोप्रिएटरी ब्लेंड है एप्रिकॉट, कैरनल ऑयल, देन जोजोबा सीड ऑयल, चैमोमाइल का एक्सट्रैक्ट है ना, मॉइस्चराइजिंग लोशन की सबको जरूरत पड़ती है और प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन देता है फेस को, बॉडी को, आफ्टर हैंड वॉश, ठंड वगैरह में भी देखिए बहुत काम आता है मॉइस्चराइजिंग लोशन है ना। तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और जो हमारी क्रैक हील्स होती है पटी एरिया वहाँ पर अच्छा देता है, हील्स को मॉइस्चराइज करता है और मेकअप प्राइमर की तरह काम आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जब कोई भी मेकअप आप अप्लाई करें तो आपको मेकअप अप्लाई करने से पहले कुछ बेस या कुछ प्राइमर समथिंग टाइप का लगाना पड़ता है ना, तो वो जिससे आपको वो क्या करता है वो स्किन को डायरेक्टली मेकअप के इफेक्ट से रोकने का काम करता है। लेकिन हालांकि वो खुद में भी केमिकल होता है लेकिन इट इज़ द प्योर ऑर्गेनिक थिंग, तो आप इसको बचा सकते हैं अपने मेकअप के हार्श इफेक्ट से, इसको प्राइमर की तरह पहले यूज़ करके देन यू कैन अप्लाई द मेकअप और आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो दिस इज द, मुझे इसका ये की पॉइंट बहुत बेहतरीन लगा था मॉइस्चराइजिंग लोशन का, आप इसको मेकअप के हार्श इफेक्ट से भी अपने फेस को बचा सकते हैं, ठीक है, वाइल डूइंग मेकअप ऑल्सो। देन देर इज फॉरएवर एलो लोशन। अब एलो लोशन की मैं बात करूँ तो 67% एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, कोलेजन, इलास्टिन जैसे फाइबर, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। गर्मी वगैरह में भी एलो लोशन मतलब हमारा लोशन का जरूरत पड़ती है ना डेली बेसिस पे, हमें नहाने के बाद अपनी बॉडी पे लगाने की जरूरत पड़ती है, तो एलो लोशन वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इलास्टिसिटी देता है, स्किन को प्रॉपर मॉइस्चर देता है और किसी भी टाइप की ड्राइनेस नहीं होने देता है, ड्राइनेस यानी कि मॉइस्चर को रिमूव नहीं करता, मॉइस्चर को मेनटेन करने का काम करता है बॉडी में। तो अगेन इसका बेनिफिट है एलो लोशन का। देन देर इज सोनिया कलेक्शन। अब ये जो सोनिया के जो कलेक्शन है इसमें चार आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये जो चारों प्रोडक्ट्स हैं ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काम करता है, ऐसी स्किन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कि ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है, तो उनके लिए क्योंकि जनरली क्या होता है ना कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपको जल्दी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट ये ऐसा चीज़ है ना कि आपको दोनों में काम करता है, बेहतरीन काम करता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो सोनिया का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर। अब अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें एलो, बाओबाब ऑयल, ओकेशिया, कुंसिना फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, एप्पल का अमीनो एसिड्स हैं इसमें, ठीक है, ये सब की इंग्रेडिएंट्स हैं इसके।
अदरन ये क्या करता है, आपकी स्किन को कंडीशन करने का काम करता है, और कॉम्बिनेशन स्किन को जो हमारी कॉम्बिनेशन उसके जब हम साफ करते हैं ना तो बहुत हल्का सा झाग निकलता है, तो उससे क्या होता है कि पूरा आपका जो फेस होता है वो साफ हो जाता है। अब साफ होता है जैसे कि डर्ट हो गया, मेकअप हो गया, इन सबको बिना किसी हार्श इफेक्ट को, बिना किसी स्किन को मतलब मैं इस तरीके से कहूँ कि बिना मतलब होते हैं ना कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब आप साफ करते हैं तो आपको जलन होती है क्योंकि इससे स्किन का काफ़ी कुछ हिस्सा काट लिया गया हो, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करता, बहुत ही जेंटली डर्ट और मेकअप को निकाल देता है, ऑयल को निकाल देता है, एंड यू विल फील कि हाँ आपकी स्किन कंडीशन लग रही है, आपको साफ लग रही है स्किन पूरी। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर। अब इसके बाद यू कैन अप्लाई द सोनिया सोनिया एलिमिनेटिंग जेल। अभी नाम से कह रहा है कि एलिमिनेट करना है ना, जलाना, ब्राइटन कर देना, तो ये बेसिकली जो स्किन के जो बड़े बड़े पोर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। स्किन में बड़े बड़े पोर्स होते हैं, इससे क्या होता है कि वो भद्दे अजीब सा लगता है स्किन है ना, तो उनको पोर्स को घटाता है, उनके एक अपीयरेंस को कम करता है, स्किन के अपीयरेंस को ओवरऑल बढ़ा देता है, स्किन टोन इवन कर देता है, नेचुरल सा ग्लो देता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इंग्रेडिएंट्स में मैं बता दूँ कि इसमें एलोवेरा है, इनकैप्सुलेटेड पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन है, ये यूनिक एल्गी ब्लेंड पेयर्ड विद लाइबोसोम्स ना, जो पानी में एल्गी पाए जाते हैं उनका यूनिक ब्लेंड है, रेड क्लोवर फ्लावर है, एशियन के बोटेनिकल्स बहुत अच्छे अच्छे इसमें हर्ब्स पाई जाती है जो किसमें डाला गया। अगेन आपको देखना होगा ना बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, बट डोंट यू वरी अबाउट दैट बिकॉज ये सारे के सारे कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, बहुत लंबा चलते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलिमिनेटिंग जेल। देन उसके बाद देर इज रिफाइनिंग जेल मास्क, अगेन दिस इज द बेस्ट थिंग। एलो एप्पल फ्रूट, इसमें एलो है, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड ऑयल, बेसिलिन तुलसी के ना ऑयल जो है, आर्टिमिशिया पैलेंस फ्लावर, सोयाबीन ऑयल, कोरियन बैम्बू एक्सट्रैक्ट, लेकोरिस रूट, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इसमें मिक्सचर है। अब अगर मैं बात करूँ रिफाइनिंग जेल की तो ये क्या, ये हमें रात में अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि हमारी स्किन को क्या करता है, नरिश कर देता है ये हम सोते हैं तो ये क्या करता है, अगर आप इसको रात में लगा के सो जाएं तो पहली बात तो ये कि आपके किसी चीज़ से चिपकता पड़ता नहीं है, तो आप आराम से रात में लगा के सो सकते हैं, हेल्दी स्किन टोन को प्रमोट करता है। और बहुत सारे लोगों को देखिए प्रॉब्लम होती है ना कॉम्बिनेशन स्किन के फ्लक्चुएशन की, कभी ड्राई हो रही है, कभी ऑयली हो रही है स्किन, तो कभी कुछ हो रहा है, तो ना तो उनको ज़रूरत होती है कि इसके फ्लक्चुएशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ रोका जाए, तो ये रिफाइनिंग जेल मास्क वहाँ पर बहुत काम करता है। आप इसको रात में जब लगा के सो जाते हैं ना तो लिटरली जब आप सुबह देखते हैं तो आपको लगता है कि वाओ आपने कुछ लगाया, लिटरली लगाया है कि पूरी रात बॉडी की ट्रीटमेंट, सॉरी उस आपके फेस की ट्रीटमेंट चली है, ऐसा लगता है कि रिफाइनिंग जेल मास्क लगाने का, क्योंकि रात में क्या होता है ना बहुत सारे फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, तो इसी वजह से देखिए कई बार क्या होता है जब हम सुबह उठते हैं तो जब अब जब तक हम अपना फेस वॉश करते हैं, जब तक हम नहाए ना तो हमारी स्किन ऐसे लगती है जैसे बुझी बुझी सी है, क्योंकि रात भर हमारे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे अराउंड ना, जो कि अटैक करते हैं। फ्री रेडिकल्स के अंदर टॉक्सिन्स जैसी चीज़ें होती हैं ना, हवा में जो ऐसे मटीरियल होता है जो कि फ्रीली घूम रहे होते हैं, तो वो हमारे इस पर स्किन पर बहुत हद तक डैमेज करते हैं, तो उनको ये बेसिकली प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं रिफाइनिंग जेल मास्क, स्किन को मोर यूथफुल बनाती है। और आप इसको लगा करके जब देखेंगे ना अपनी स्किन पे तब आपको यकीन होगा कि क्या गजब की चीज़ है रिफाइनिंग जेल मास्क। देन मैं बात करूँ सोनिया सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर, ये इस किट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट है, और एलो एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट, पोमोग्रेनेट यानी अनार के फ्रूट एक्स्ट्रैक्ट, फिग फ्रूट, मलबेरी शहतूत, देन जोजोबा एस्टर्स, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, बीटा ग्लूकन, हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें ये काम क्या करता है बेसिकली, ये बहुत ही बारीकी से मॉइस्चर को एकदम अंदर तक लेके जाने का काम करता है, जिसे कहा जाता है ना कि खूब मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए आपकी स्किन पे, ताकि क्या रहे कि स्किन मोर यूथफुल दिखे, हाइड्रेटेड दिखे, मतलब जवान से दिखे ना, तो वहाँ के लिए क्या होता है कि आपको मॉइस्चर अंदर तक जाना चाहिए, तो ये सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर उसी का काम करता है, बिकॉज सूदिंग से मॉइस्चराइजर को अंदर मॉइस्चर को बहुत अंदर तक लेके जाता है, ठीक है, तो स्किन के अपीयरेंस को और इम्प्रूव कर देता है, और साथ ही के साथ स्किन के टोन को सूद भी करता है और इवन भी बना देता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोनिया सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर। तो अगेन आप चारों प्रोडक्ट्स को, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सबको साथ में मिलता है, आप इसको साथ में भी ले सकते हैं, और आपको कोई एक भी चाहिए, कोई दो भी चाहिए, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अगेन सोनिया का ये प्रोडक्ट है। देन देर हमारा ये इनफाइनाइट का कलेक्शन है, इनफाइनाइट का जो कलेक्शन है वो एंटी एजिंग मार्केट पे डील करता है, जैसे ये है फैक्ट है कि एंटी एजिंग मार्केट जो है हर साल 12.5% की दर से बढ़ता है, तो सोचिए क्योंकि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की लोगों को नीड है, लोगों को चाहिए, देखिए ना हर 25-26-27 साल के बाद ना लोगों को चाहिए होता है कि हमें कुछ एंटी एजिंग क्रीम लगाएं, कुछ आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे गर्ल्स को, लेडीज़ को जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है, तो इनफाइनाइट का कलेक्शन उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, एंटी एजिंग प्रिंसिपल काम करता है।
इसके मैं की इंग्रेडिएंट्स की बात बता दूँ तो इसमें एप्पल, अमाइनो एसिड्स हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है, सोडियम कोकाइल है, फाइटिक एसिड है, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी की बेनिफिट्स की अगर मैं बात बताऊँ तो ये स्किन को क्लीन करने में बहुत काम करते हैं, तो स्किन को क्लीन करते हैं एंड डर्ट, ऑयल और मेकअप इन सबको बिना सुखाए, मतलब बिना वहाँ पर छोड़े पूरी चीज़ को साफ करने में काम करते हैं, और एजिंग के साइन से प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन के हाइड्रेशन को और इनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसमें नमी बरकरार रखने का काम करते हैं, और बहुत आसानी से चीज़ों को साफ करने में, डर्ट वगैरह को साफ करने में हेल्पफुल है हमारा इनफाइनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर। देन हमारा इनफाइनाइट फॉर्मिंग सीरम है। अगर मैं फॉर्मिंग सीरम की बात करूँ तो जैसे होता है ना कि हर प्रोडक्ट के जो हर एक किट का कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है कि हाँ ये इसमें मेन चीज़ है ना, तो उसी तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट का ये जो इस किट का ना मेनली जो सीक्रेट है वो फॉर्मिंग सीरम है, कि अगर आप सिर्फ फॉर्मिंग सीरम ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोनेट है, स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, ट्राइफ्लोरोएसिटाइल ट्राइपेप्टाइड, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि ये कोई केमिकल लग रहा है, नहीं, ये प्रोटीन है ये जो कि नेचुरली हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो इतना फॉर्मिंग इस ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये काम कहाँ का करता है कि आपने देखा होगा आंखों के पास ना फाइन लाइन्स और पिंकल्स वगैरह बहुत बढ़ जाती है धीरे धीरे एज के साथ, है ना, तो उनको कम करने का काम करता है, और स्किन में इलास्टिक सिटी बरकरार रखने की, कोलेजन और इलास्टिन का जो अमाउंट है वो और बढ़ा देता है, जिससे हमें स्किन टोन और इवन लगने लगती है, और वो जो फ्लफी सी हो जाती है हमें स्किन की ना एकदम फर्मनेस आ जाती है स्किन में। तो ये एक तो ये क्लिनिकली टेस्टेड है, सारे इंग्रेडिएंट क्लिनिकली टेस्टेड हैं, ठीक है, एकदम फाइनली इनको टेस्ट करके तब इसमें डाला जाता है, और जस्ट उसके एक पंप की रिक्वायरमेंट होती है, एक पंप आप अप्लाई पूरे अपने फेस से अपने नेक एरिया तक लगा सकते हैं, सुबह शाम कभी भी लगाइए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मिंग सीरम। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफाइनाइट रीस्टोरिंग क्रीम। इनफाइनाइट रीस्टोरिंग क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस टाइप का है, देखिए नाम से बोला रीस्टोर कर रहा है किसी चीज़ को, है ना, तो ये इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें 15 पोटेंट हर्ब एलोवेरा के साथ साथ 15 पोटेंट हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, और ये सारे हर्ब्स आप देख सकते हैं जैसे कि बी वैक्स, मेजोरिना लीफ ऑयल, पेटेट ग्रैन ऑयल, बीटा वुलगैरिस, ठीक है, ग्लोबुलस लीफ ऑयल, सेंटीपेटा कैनिंगम, यूकेलिप्टस, लेवेंडर, बहुत सारी चीज़ें, लाइम पी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको मिलेगी, है ना, तो इन सब 15 पोटेंट हर्ब्स का इसमें एक्सट्रैक्ट है। और अगर मैं बात करूँ तो ये एंटी एजिंग फॉर्मूला पे काम करता है, स्किन को और यंगर लुक देता है, और सूद भी कर देता है, फैटिक तक मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को, डिहाइड्रेशन को मतलब प्रिवेंट करता है, और एक बैरियर लगा देता है कि स्किन से मॉइस्चर जाए ना, है ना, मतलब तरीके से बाहर एटमोसफेयर में ना रिलीज हो जाए, तो मॉइस्चर को बरकरार रखने का काम करता है। अभी इसमें जो इसके वाइट कलर का कुछ ढक्कन दिख रहा होगा, इसी को हटाना होता है, एंड देन एक डिस्क है, उसको आप जब प्रेस करेंगे तो आपको बाहर निकल के आता है थोड़ा सा जो क्रीम निकल के आएगी, आप उसको पूरे नेक एरिया तक लगा सकते हैं, सुबह शाम कभी भी लगाइए। तो ये दोनों में इनफाइनाइट के जो किट है, सुबह शाम कभी भी आप लगा करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इनफाइनाइट रीस्टोरिंग क्रीम। सो दैट्स ऑल फॉर द स्किन केयर सेशन। ये आज के स्किन केयर के सेशन के लिए बस इतना ही था, और आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे। अब आपको जो भी, इफ आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी कोई अप्लाइंसेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे साथ एसोसिएट होइए, मेरे साथ ज्वाइनिंग करिए, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप इन फ्यूचर, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ हैं, बहुत ही जेन्युइन चीज़ों के साथ हैं। आप इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे ना, आप लिटरली थैंकफुल होंगे कि हाँ आप यहाँ पे आए हैं और आपने यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ की चीज़ें यूज़ करूँ तो मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ all the skincare products. Thank you so much for attending my session peacefully, and till then bye bye, take care and have a good luck.